कोषाध्यक्ष मंजरी मराठे जी को कि वे हमारे अतिथि शरद ठाकर साहब को मंच तक लेकर आए। ससम्मान आपका स्वागत है ठाकर जी। डॉक्टर शरद ठाकर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप 28 किताबें भी लिख चुके हैं और गुजराती समाज में साहित्यकार के रूप में सुपरिचित हैं। और वीर साहब जो धारावाहिक के रूप में साधना साप्ताहिक में छपा और अत्यंत लोकप्रिय हुआ, मैं एक बार फिर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मंच पर विराजे सभी अतिथियों का। अब मैं निवेदन करूंगी स्मारक के मार्गदर्शक श्री भारत कुमार राउत जी को, जो महाराष्ट्र टाइम के संपादक रह चुके हैं और जिनका बहुत योगदान रहा इस कार्यक्रम में, कि वे वरिष्ठ पत्रकार राइटर डायरेक्टर वेद राहुल जी को मंच पर ससम्मान लेकर आए। वेद राहुल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। आप जो आज गीत सुनेंगे और जो सीडी में सुनेंगे, उसमें जो प्रस्तावना है वो अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में है और 8 से लेकर 12 तक गीतों के पहले की प्रस्तावना वेद राही जी की लिखी हुई है। और मुझे यकीन है जब आप वो जब लिखा हुआ पढ़ा गया सर, तो लगा कि देश की जो सबसे बेहतरीन आवाज है, सिर्फ उसी आवाज को इस प्रस्तावना के लिए लिया जाना चाहिए, आपको भी सुनाई जाएगी। अमिताभ जी यहां उपस्थित नहीं है लेकिन हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। अब मैं स्वागत समय है आज क्या गीत गाएं, स्वागत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अरुण जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो विश्वनाथ सचदेव जी का स्वागत करें। स्वागत स्वरूप एक पुस्तक और एक स्मारिका भेंट की जा रही है। अरुण जोशी जी से ही निवेदन करूंगी कि अरुण साधु जी का सम्मान करें। अरुण जोशी जी जो अध्यक्ष हैं स्मारक के, डॉक्टर शरद ठाकर का सम्मान कर उन्हें सम्मानित करेंगे। वरिष्ठ साहित्यकार निदेशक वेद राही जी के सम्मान के लिए डॉक्टर अरुण जोशी से निवेदन करूंगी। अरुण जोशी जी वेद राही सर का सम्मान करें। शुक्रिया। अरुण जोशी जी भारत कुमार राउत साहब का सम्मान करें। बहुत शुक्रिया अरुण जोशी जी और सभी अतिथियों का, आप लोग का वैशाली सामंत जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज मंच पर आए, आपका सम्मान करना चाहते हैं। विश्वनाथ सचदेव जी से आग्रह करूंगी कि वो वैशाली सामंत का स्वागत करें, अभिनंदन करें। वैशाली की मधुर आवाज में अभी हमें गीत सुनने वाले हैं। संगीत संयोजन जो स्वर्गीय अनिल मोहिले जी ने किया, अगर उनके परिवार से कोई यहाँ है, सुर और सरगम से हमारा ये आंगन महकने वाला है। जसपिंदर नरोला जी हमारे बीच आ चुकी है, उनसे निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और अरुण साधु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे गुप्ते आप कृपया मंच पर पधारे। यूनिवर्सल के श्री मंदार गुप्ते आ रहे हैं। श्री
श्री राजन प्रभु यहाँ मौजूद हैं तो कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। यूनिवर्सल म्यूजिक के श्री राजन प्रभु डॉक्टर शरद ठाकर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनका सम्मान करें। इस सीडी में मशहूर सिंगर शंकर महादेवन, शान, जावेद अली और श्री राहुल देशपांडे ने भी गीत गाए हैं, लेकिन अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन स्वातंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक इन सभी कलाकारों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता है। सुनील वालावलकर साहब से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और आपने जो सहयोग किया है उसके लिए हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। श्री अरुण साधु जी से अनुरोध करूंगी कि आप सुनील वालावलकर जी का सम्मान करें। आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। पूर्वी भावे और गुरुराज कोरगांवकर जिनका नृत्य अभी आपने देखा, जिन्होंने वीर सावरकर साहब के शब्दों को नृत्य के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया, उनका सम्मान करने के लिए अनुरोध करूंगी विश्वनाथ सचदेव जी का। इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए मैं चाहूंगी दोनों ने जो नृत्य किया आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उनके हौसला अफजाई के लिए। दीपक कानूलकर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कृपया मंच पर आए। दीपक कानूलकर साहब, आपके सहयोग के लिए, आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अरुण जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनका सम्मान करें। कल यहाँ पर ऑडिटोरियम में एक फिल्म दिखाई गई थी 1909 जो वीर सावरकर साहब पर बनी है। उस फिल्म के राइटर डायरेक्टर अभय कांबली जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी जिन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है। हम चाहते हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपका प्रयास सराहा जाए। विश्वनाथ सचदेव जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वेदराही जी से अनुरोध करूंगी, दोनों फिल्म वाले एक दूसरे का, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े अनुभवी व्यक्ति से सम्मानित हो। अजय कांबले जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं कृपया मंच पर आए। अनंत कान्हेरे जो क्रांतिकारी हैं उन पे फिल्म आपने बनाई है और मैं अरुण साधु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका सम्मान करें। आपके प्रयास की सराहना करती हूँ और कम से कम जो यहाँ बैठे हैं उनसे जरूर कहूंगी कि ये फिल्म जरूर देखें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रणजीत सावरकर जी को। आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्याध्यक्ष हैं, आप आइए। और वेदराही जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका सम्मान करें। वीर सावरकर जी के भतीजे हैं आप। गौरव का विषय है कि सावरकर परिवार के किसी सदस्य के साथ मंच बांट रही हूँ और अब अपनी मंजरी मराठे जी
आप जरा सी खड़ी हो जाइए और रिक्वेस्ट करूंगी शरद ठाकर जी से कि आप इनका सम्मान करें। अभी एक बहुत ही अच्छी बात दर्शकों में से बैठे हुए मुझे एक नीलान परांजपे जी देकर गए कि सावरकर जी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि त्याग तपस्या और बलिदान से जो इतिहास लिखा जाता है उसे कोई भी स्याही चाहे वो इस सरकार की हो नहीं मिटा सकती। इसका प्रमाण है आज की शाम। आपका शुक्रिया। पाइप होते वीर होते आणि दुय्यम हे कवी होते असं म्हणता येणार नाही। स्वातंत्र्य आणि कविता या त्यांच्या दोन मोठ्या आकांक्षा होत्या। आणि असं म्हणावं लागेल की अंदमान जेलमध्ये जेव्हा त्यांना शिक्षा झाली त्यावेळेची जन्मठेपी 50 वर्षाची असायची, 50 वर्ष। तुम्हाला मुंबईच्या आर्थर रोडमध्ये नव्हे तर अंदमानला जाऊन काढायची होती सेल्युलर जेलमध्ये भयंकर परिस्थितीमध्ये। दुसरा कुठलाही माणूस त्यांच्यासारखा मध्यम वर्गातून आलेला कविता करणारा नाजूक हृदय असलेला कविता करणारा सहसा नाजूक हृदय असलेला समजला जातं। असा माणूस एवढी मोठी शिक्षा झाल्यावर आणि त्यासाठी बोटीमध्ये बसायचं खचून गेला असता कदाचित त्यांनी आत्महत्याही केली असती। परंतु सावरकरांचं एक मोठं आधार होता, मोठं शस्त्र होतं, मोठं कवच होतं, ती म्हणजे त्यांची स्वातंत्र्याची आकांक्षा आणि दुसरं सगळ्यात मोठं कवच हे त्यांची कविता। किंबहुना सावरकर आपल्याला अंदमानातून बाहेर आलेले दिसले ते त्यांच्या कवितेमुळेच दिसले। रात्रंदिवस त्यांना कविता सुचायच्या तिथे आणि त्या आत्ता डॉक्टर ठाकरे यांनी सांगितल्याप्रमाणे भिंतीवर लिहून काढायचे त्या कविता। त्या कविता कशा होत्या की 50 वर्षाचा इथे आपण पिचत पडणार आहोत, काय करणार, माझ्या घरचे लोक कसे रडत असतील, माझ्या आजूबाजूचे लोक किती विराहाने व्याकुळ झाले असतील, अशा त्यांच्या कविता नव्हत्या। त्यांच्या प्रत्येक कवितेमध्ये स्वातंत्र्याची उर्मी तर होतीच पण त्याचबरोबर एक जबरदस्त आकांक्षा होती बाहेर येण्याची आणि भारतासाठी हिंदुस्थानासाठी काहीतरी काम करण्याची। मला फक्त एकाच कवितेचा इथे संदर्भ द्यायचा आहे। मी काही फार कवितांचा जाणकार नाही आहे पण आत्ता ह्या आपल्या सावरकर प्रतिष्ठानाने प्रसिद्ध केलेल्या ज्या कविता आहेत त्याच्यामध्ये मला एक कवी सापडली जी मला मी पूर्वी वाचलेली नव्हती। ती कविता कोठडीत त्यांनी लिहिलेली आहे। जसं चांदण्यात कोठडीतून दिसणारं चांदणं बघताना त्यांनी कविता लिहिलेल्या आहेत, कोलू फिरवण्यावर त्यांनी कविता लिहिलेल्या आहेत, केवळ अंथरुणावर पडून त्यांनी कविता लिहिलेल्या आहेत। कविता हाच त्यांचा प्राण होता अंदमानच्या जेलमध्ये हे या कवितेवरून स्पष्ट दिसतं। ही जी कविता आहे ती कविता मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही पण ही कविता प्रत्येकाने अवश्य वाचावी असं मला इथे आत्ता वाटतं। त्या कवितेचं नाव आहे, मी संपूर्ण वाचून दाखवणार नाही, सायम घंटा। जेलचा दुपारची कामं वगैरे संपली, खाणं वगैरे झालं की संध्याकाळी घंटा वाजायची आणि जे दिवस संपला एक दिवस संपला जेल म्हणला। असे दिवसेंदिवस किती दिवस जाणार आहेत कुणास ठोक, परंतु सावरकरांना विचार करायला एकदा या घंटेवर संध्याकाळच्या घंटेवर आणि त्यांना जी कविता सुचली त्याच्यामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे की एक दिवस संपला म्हणजे एक दिवस मेला, केवळ माझ्या जीवनातला नव्हे या बंदिवासातला नव्हे तर भारतभूमी माझी मातृभूमी बंदिवासात आहे तिचा देखील बंदिवासाचा एक दिवस संपला। अशा घंटा वाजत राहणार, बिंदू बिंदू साचत राहणार, थेंबे थेंबे पाणी साचतं तळ्यामध्ये आणि तळ भरून जातं, तसं एक एक दिवस संपत एक एक दिवसाची फौज जी आपली शत्रू आहे बंदिवासातली ती फौज ही त्यांना ठार करून एक दिवस माझा भारतभूमी ही स्वतंत्र होणार आहे असं त्यांनी या कवितेमध्ये लिहिलं आहे। त्यातल्या काही ओळीच फक्त मी वाचून दाखवतो आणि माझं हे छोटंसं निवेदन हे मी थांबवतो। गरजावे लागणार आणखी असे कितीदा ते युद्धी आहे दिनांतके तरी निश्चित हे निदान गमत की असे संख्या जी दिवसांची कोणती तरी विधिनियता दास्याची भरतभूमीच्या त्यातील तू एक दिवस अधिक दुष्ट हा। प्रत्येक दिवस दुष्ट दास्यामधला भरतभूमीच्या दास्यामधला
त्यातील तू एक दिवस अधिक दुष्ट हा मारी देस ठार असा आणि जे असे मोचन त्या मातेचे तेच आमचे अनवर्थक मोचन होणार हवेसे. साईं गंडेवा सांगतात तू तुझ्या घंटेने एक एक दिवस दुष्ट दिवस या बंदीवासातला या दास्यातला भारतभूमीच्या दास्यातला तू ठार मारते. पुढचा एक एकदम कडव असतो. पूर्णाहुती पडून शक्ती महो शक्ती होम होताशी जय विजयादशमीला प्रज्व लोज्वला त्या ज्वाला मालितुने तृप्त चंडीचा होईल की मुकुट दिव्य दीप्त अमजा ग्रहणमुक्त सूर्यासम प्रकट पुनरपी त्या दिवशी विजय वृत्त ते करितगी प्रथित दिशा दाही जो आध्रुव ध्रुवी सिंधू तटोतट प्रतिध्वनित गर्जना गर्जत्या जाईल जय घंटेच्या घोष महानया राष्ट्राच्या पुनरुत्थित नाद सिंधूच्या. म्हणजे जेव्हा एक एक बिंदू साचत एक एक घंटा होत आमचं दास्य संपेल तेव्हा जी घंटा वाजेल ती जगामध्ये त्याचा ध्वनी निनादेल की माझा भारतभूमी माझी स्वतंत्र झालेली आहे. एवढं त्यांचं स्वातंत्र्य प्रेम आणि कविता प्रेम. एक छोटासा किस्सा सांगतो आणि संपवतो. हे 1930-32 सालच्या जेलमध्ये आचार्य भागवत होते. त्यावेळेस जेलमध्ये क्लासेस व्हायचे आपल्या पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये. त्याबद्दल तिथे असलेल्या एका साक्षीदाराने लिहून ठेवलेलं आहे. क्लासेस व्हायचे शिकवायचे आचार्य भागवत तिथे होते. ते वेगवेगळे विषय शिकवत होते. एकदा त्या शिकवण्यामध्ये जेव्हा या त्या काळातल्या राजकारणावर प्रश्न निघाला तेव्हा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं नाव घेतलं गेलं. ते घेतल्याबरोबर आचार्य भागवत हे संतापले कारण त्यांचा त्यांच्या राजकारणाला विरोध होता. बराच वेळ संतापले ते आणि गप्प बसले. समोरचे लोक देखील स्वस्थ बसले होते. तेवढ्यात एकाने विचारायला सांगितलं आचार्य स्वातंत्र्यवीरांच्या कवितेबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं आहे. ताबडतोब आचार्य भागवत हे रिलॅक्स झाले अत्यंत हळूवार झाले आणि त्यांच्या कमला काव्याविषयी आणि इतर कवितांविषयी अत्यंत मनपूर्वक रसिक वृत्तीने ते बोलायला लागले आणि म्हणायला लागले त्यांचं नाम आमचं राजकारण कसंही असो ते एक महान कवी आहेत हे लक्षात ठेवा आणि त्यांचा आपण आदर केला पाहिजे. धन्यवाद. वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो. मैं आज यहां इस कार्यक्रम में स्वातंत्र वीर सावरकर की वंदना के स्वरों में अपना स्वर मिलाने आया हूं. आप सब भी मेरे साथ हैं और हम सब मिलकर जब स्वर मिलाएंगे तो जो स्वर गूंजेगा वो स्वर वही होगा जो स्वातंत्र वीर सावरकर ने गुंजाया था, भारत माता स्वतंत्र होगी. और भारत माता को हमने स्वतंत्र करा दिया. हमने में हमारे वो सारे शहीद शामिल हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी. वे शहीद शामिल हैं, वे स्वतंत्र वीर शामिल हैं जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट दी. लाखों लोग हैं और वो सब के सब हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे. लेकिन स्वतंत्र वीर सिर्फ एक व्यक्ति को कहा गया, सावरकर जी को. कोई आवश्यक नहीं होता मित्रों कि हम अपने महापुरुषों की सब बातों से सहमत हों. कोई आवश्यक नहीं होता. कोई जरूरी नहीं होता कि उनकी सारी बातों को हम स्वीकार करें. कोई जरूरी नहीं होता. लेकिन ये जरूरी होता है कि उनकी महानता को हम प्रणाम करें. सावरकर की महानता में किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता. इतिहास जब भी लिखा जाएगा इस देश की आजादी का उसमें वो नाम हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहेगा जिसे हम स्वातंत्र वीर सावरकर कहते हैं. आज यहाँ हम स्वातंत्र वीर सावरकर की कुछ कविताओं की बात कर रहे हैं. एक सीडी प्रकाशित की प्रसार प्रकाशित हुई है यहाँ पर. हम ही हैं, हम ही हमारे वाली हैं. कल्पना नहीं होती कि सावरकर जैसा व्यक्ति मराठी आनमानस हिंदी में और उर्दू में उस जमाने में कविताएं लिख रहा था. जिन्होंने भी ये दो कविताएं या गजलें यहां मुहैया कराई हैं इतिहास उनका आभारी रहेगा. क्योंकि सावरकर जी सावरकर की इन रचनाओं को सामने लाने का काम जिस तरह से हमारा ये प्रतिष्ठान कर रहा है, जिस तरह से बाकी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में इतिहास को फिर से दोहराने फिर से जीने की कोशिश हुआ करती है. जब हम कहते हैं कि हम ही हमारे वाली हैं, वाली उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है राजा. हम ही हमारे राजा हैं, शासक हैं. ये वो सपना था
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था और जिस सपने की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन वाली का एक शब्द अर्थ और भी होता है मित्रों। वाली शासक तो होता है, लेकिन वाली का दूसरा अर्थ है दोस्त, मित्र। हम ही हमारे मित्र हैं। मैं समझता हूं उस शासक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ये बात वाली वाली कि हम ही हमारे मित्र हैं। वाली तो हम हैं, शासक तो हम अपने खुद बन गए, लेकिन हमारे मित्र भी हैं। मित्र अपने मित्र का बुरा नहीं चाहता, इसलिए हमें तय करना है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। कोई दूसरा आकर के हमें नहीं बताएगा। और ये अच्छा क्या है, इस अच्छे की परिभाषा स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से दी थी। उनकी क्रांतिकारिता के बारे में बहुत बातें होती हैं, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ पढ़ा गया, आगे भी लिखा जाएगा। लेकिन वो इतने बड़े साहित्यकार थे, इस बात की परिकल्पना आसानी से लोगों को नहीं होती। सावरकर कवि थे, सावरकर उपन्यासकार थे, सावरकर नाटककार थे, सावरकर पत्रकार भी थे। कितनी सारी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, कितना बड़ा वेतान है उनका, कितना चौड़ा वेतान, और कितनी पहली बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मराठी की पहली कविता जो विदेशों में लिखी गई, समुद्र पार जाकर के लिखी गई, वो स्वातंत्र वीर सावरकर की लिखी हुई थी। मराठी का पहला उपन्यास जो विदेशों में जाके लिखा गया, वो स्वातंत्र्य वीर सावरकर का उपन्यास था। मराठी का पहला पत्रकार जिसने सात समुद्र पार से समाचार भेजे थे, वो स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने लिखे थे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्व है इनका। उस जमाने में वो आदमी अपनी भाषा के साथ और अपने भाषा भाषियों के साथ किस तरह जोड़ना चाहता था, किस तरह उन्हें जागृत करना चाहता था। उनकी सारी कविताएं, उनकी सारी रचनाएं स्वतंत्रता की रचनाएं थी, स्वतंत्रता के लिए रचनाएं थी। लेकिन उनकी सारी रचनाओं में एक स्वर और भी था, और वो था समाज के निर्माण का स्वर। हमें कैसा सपना सजाना है, हमें कैसा सपनों का भारत बनाना है, ये बात भी उनके दिमाग में थी उस समय जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अभी बता रहे थे कि 9-10 साल की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी थी, और वो पहली कविता भी 11 साल की उम्र में लिखी उन्होंने, बोल रहा है कविता, और वो पहली कविता भी राष्ट्र प्रेम की कविता थी। और कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्होंने लिखा, हमें बताया गया कि सेलुलर जेल में, अंडमान जेल में, जहां आदमी को जानवर की तरह रखा जाता था, बैल की जगह कोलू में जोता जाता था सावरकर को और उनके साथियों को, उस माहौल में वो आदमी बैठ करके वहां कविताएं लिख रहा है। और कैसी कविताएं लिख रहा है, वो कविताएं जिसमें स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने की भावना थी, वो कविताएं जिनमें एक नए समाज को बनाने की परिकल्पना थी। और कैसे लिखता था, कलम नहीं थी उनके पास, पेंसिल नहीं थी उनके पास, पेन नहीं था उनके पास, कागज नहीं था उनके पास। जिस जेल की कोठरी में वाया सावरकर रहते थे, उस कोठरी की दीवारों पर उन्होंने कविताएं लिखी। दोस्तों, बचपन में मैंने जब पहली बार ये बात पढ़ी थी कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने अंडमान जेल की जिस कोठरी में वो रहते थे वहां 10,000 पंक्तियां लिखी थी, 10,000 पंक्तियां कविता की, और सिर्फ लिखी नहीं थी, वो सारी की सारी 10,000 पंक्तियां उन्होंने याद भी कर ली थी, क्योंकि कागज तो था नहीं, वो याद भी कर ली उन्होंने। और खुद ही याद नहीं करते थे, वो अपनी कविताएं अपने साथी कैदियों को भी याद करवाते थे, और वो साथी कैदी जब छूट के बाहर जाता था, जो भी वो उनका अपने साथ याद की हुई वो कविता भी लेकर के आता था, और जो हाँ भारत भूमि में आने के बाद में लोगों तक पहुंचती थी। ये है संकल्पना, ये है किसी व्यक्ति का त्याग, और ये है किसी व्यक्ति का सोच कि किस तरह वो अपने आप को इस तरह दुनिया के सामने लाना चाहता है कि मेरे भीतर जो आग है उस आग की गर्मी पहुंचनी चाहिए उन सब तक जिन्हें उस आग की आवश्यकता है, यानी इस देश के वासी, स्वतंत्र भारत की जिन्होंने परिकल्पना की, जिन्होंने सपने देखे, वो भारतवासी, वो उस आग की तपिश को उन तक पहुंचाना चाहते थे। और पहुंचाया उन्होंने, बड़ी खूबी से पहुंचाया उन्होंने। रत्नागिरी जब उन्हें नजरबंद किया गया बाद में, वहां से 10 साल वहां बिताने के बाद में, वहां आकर के भी उन्होंने कविताएं लिखी। उनसे कहा गया था कि आप किसी भी राजनीतिक कार्य में हिस्सा नहीं ले सकते। सावरकर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं राजनीतिक कविताएं लिखूंगा। और उन्होंने लिखी, और उन कविताओं के माध्यम से वो बात लोगों तक पहुंचती रही जो वो कहना चाहते थे, जो संदेश वो देना चाहते थे। एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं यहां, वो अछूतों के बारे में सावरकर के दृष्टिकोण की है। उस जमाने में गांधी जी ने शुरू नहीं किया था अछूतोद्धार का मामला। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने
पतित पावन मंदिर में अछूतों को प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किया और उन्हें वहां तक पहुंचाया, ये कहकर के पहुंचाया कि ये भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू मनुष्य हैं, इन्हें भी मंदिर में जाने का अधिकार है, इन्हें भी अपने देवता से मिलने का अधिकार है। और एक कविता लिखी थी उस समय उन्होंने, बहुत प्यारी कविता है मित्रों, बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत प्यारी कविता है। और उनके एक मित्र ने जो साक्षी था, वो जब कविता लिखी जा रही थी उस कविता के लिखने के समय वो साक्षी रहा, उसने ये बात बताई है कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर जब वो छोटी सी कविता लिख रहे थे तो इतने आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से कि उनसे उनकी हथेलियां पूरी भर गईं। मैं उस कविता का अनुवाद आपको सुनाना चाहता हूँ, मराठी में आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी, मुझे नहीं पता हिंदी में आई है कि नहीं, इसमें आप इसमें अभी आई है नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं उसका अनुवाद आपको सुनाना चाहता हूँ कि जब मैं इस कविता को कल रात पढ़ रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा इसका अनुवाद तो मुझे करना ही चाहिए। मुझे अपना भगवान देखने दो, मुझे अपना भगवान देखने दो, आंख भर में देख लूं उसको, बस तुम्हारी गंदगी ढोते हाथ मेरे हो गए मैले, बस तुम्हारी गंदगी ढोते हाथ मेरे हो गए मैले, धो सकूं मैं शुद्ध हृदय में, प्रार्थना है हाथ जोड़ के, मुझे अपना भगवान देखने दो। मैं सिर्फ शरीर प्राण वह, मैं सिर्फ शरीर प्राण वह, प्यास में वो ही बुझाएगा, मैं पतित वो है पतित पावन, छूने दो उसके चरण मुझे, छूने दो उसके चरण मुझे, अंत में भक्त मैं भगवान वो मेरा, देवता मेरा मैं हूं हिंदू, देवता मेरा मैं हूं हिंदू, दीन मैं वो दया का सिंधु, धर्म बंधु आप सब मेरे सारे सवर्ण, धर्म बंधु आप सब मेरे, मत मुझे रोको प्रवेश दो, देव के दर्शन करूंगा मैं, मुझे अपना भगवान देखने दो, मुझे अपना भगवान देखने दो। ये उन अछूतों की तरफ से बोली गई वाक्य था जिन अछूतों को तथा कथित अछूत, वो अछूत नहीं थे, जिन्हें हमने यानी हमारे समाज ने अछूत माना, उन अछूतों को हम मनुष्य भी नहीं गिनते। ये हमने सबने कहा कि भगवान सबका एक होता है, लेकिन उन्होंने अपना भगवान देखने की इजाजत हमें नहीं देना चाहते थे। स्वातंत्र वीर सावरकर ने जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम सब, उस समय देश के समाज के निर्माण की लड़ाई लड़ी थी साथ साथ, और ये उसका एक उदाहरण है जिसकी बात मैं आपसे करना चाहता था खासतौर पर। और एक कविता और मैं सुनाना चाहता हूँ जो रणजीत जी आपने भी अनुवाद किया है, मैं नहीं जानता उसमें कैसा अनुवाद है, मेरा अनुवाद निश्चित रूप से उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, और वो उसी छंद में है जिस छंद में सावरकर जी ने उसे लिखा था, ऐसा मुझे मेरी समझ से कह रहा हूँ, मैं गायक नहीं हूँ, मैं जानता नहीं संगीत, लेकिन मैंने पढ़ा जब उसको तो उस तरह से पढ़ा गया था, मैं उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा। अनादि मैं अनंत मैं न मर सकूंगा मैं, अनादि मैं अनंत मैं न मर सकूंगा मैं, जन्मा नहीं है कोई मुझे मारने वाला, मौत को चुनौती दूंगा धर्म के लिए, मौत को चुनौती दूंगा धर्म के लिए, युद्ध में लड़ूंगा पूरे भीम वेग से, न अग्नि से जलू ना असी काट पाएगी तलवार, न अग्नि से जलू ना असी काट पाएगी, मौत भी डरेगी और भाग जाएगी, भाग जाओ शत्रु मुझे मत डरा यहां, भाग जाओ शत्रु मुझे मत डरा यहां, मौत तेरी आज मेरे हाथ आएगी, डाल दो मुझे भले ही शेर के आगे, उन्होंने भूखे शेर कहा था, मेरी तुक में मिल नहीं रहा था, डाल दो मुझे भले ही शेर के आगे, दास बनाकर उसे भी साध लूंगा मैं, झोंक दो मुझे भले ही जलती आग में, एक शीत आवरण साधार लूंगा मैं, लाओ लाओ सैनिकों को जितने ला सको, लाओ लाओ सैनिकों को जितने ला सको, यंत्र तंत्र अस्त्र शस्त्र आग उगलते, मैं सभी को निगल लूंगा गरल की तरह, मैं सभी को निगल लूंगा गरल की तरह, जिस तरह पिया था गरल भोलेनाथ ने। इस तरह
जहर पी करके अपनी आज़ादी का सपना देखने वाला, जो चाहता था कि हम हमारे वाली बने, जो चाहता था कि हम हमारे शासक खुद बने, जो चाहता था कि हमारे दोस्त खुद बने, उस व्यक्ति ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से एक सपना हमें दिया था। जिस तरह की रचनाएं उन्होंने हमें दी, मैं समझता हूं उस पर कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। हम सबको उस पर गर्व है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। धन्यवाद। रानी के लिए हम आप सभी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। नमस्कार। स्वातंत्र्यवीर सावरकर विनम्र अभिवादन। मंचावरील सर्व उपस्थित मान्यवर आणि सर्व देशभक्त व सावरकर भक्तांनो, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने अनेक देशव्यापी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत। स्वातंत्र्यवीरांनी अंदमानच्या तुरुंगात लिहिलेल्या उर्दू गझला नुकताच स्मारकाकडे प्राप्त झाल्यात आणि त्यावरून त्यांच्या देशभक्तीला भाषिक बंधन नव्हते हे स्पष्ट झाले। म्हणूनच तमाम देशभक्तांपर्यंत त्यांचा हा अनमोल ठेवा आता हम ही हमारे वाली है सीडीच्या माध्यमातून आज पोहोचवत आहोत। संगीतकार अनिल मोहिलेंपासून स्वरादेश भरत बनवल्ली यांनी स्वरबद्ध केलेल्या गीतांना, सुरेश वाडकर, जसप्रीत नेहरूला, शंकर महादेवन, साधना सरगम, स्वप्नील बांदोडकर व स्वतः भरत बनवल्ली यांनी सूर मधुर आवाज दिलेला आहे। अत्यंत श्रमणीय व स्वातंत्र्यवीरांचे विचार थेट हृदयापर्यंत पोहोचवण्याची किमया त्यातून साध्य होत आहे। आदरणीय वेदराही यांच्या निवेदनावर आजच्या पिढीचा महानायक अमिताभ बच्चन यांनी दिलेला आवाज म्हणजे मुकुटमणीच असे म्हणावं लागेल। सावरकरांच्या उर्दू गझल तर त्यांनी लिहिले आहे, पण त्यांच्या मराठी गीतांचा सुंदर अनुवाद स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित विक्रम सावरकर यांनी केला आहे। त्यांच्या या अनुवादाचे तसेच त्यांच्या शब्दसंपदेचे कौशल्य हे वाखणण्याजोगे आहे आणि त्यामुळेच ही सीडी अत्यंत दर्जेदार व गुणवत्तापूर्व झाली आहे यात मुळीच शंका नाही। या सर्व कार्यामागे गेली अनेक महिने धडपडत होते ते कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर मंजिरी मराठे व स्मारकाचे अनेक सहकारी आणि त्यांना प्रेरणा होती ती स्मारकाचे संस्थापक सदस्य आदरणीय विक्रमराव सावरकर यांची। आजच्या आपल्या या सीडीचे अनावरण मान्यवरांच्या उपस्थितीत होत आहे। ही मान्यवर मंडळी म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विचारांना तसेच साहित्याला समजून घेणारी फार मोठी मंडळी आहे। मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष अरुण साधू, नवभारत टाइम्सचे माजी संपादक विश्वनाथ सचदेव, तर ज्येष्ठ गुजराती साहित्यिक डॉक्टर शरद ठाकर आदींनी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शोभा वाढवलेली। आजचा हा प्रकल्प गेल्या अनेक महिन्यांपासून घेतलेल्या परिश्रमाचे फळ आहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या गीतांना आपण न्याय दिला आहे, मात्र ही गाणी प्रत्येकाच्या ओठावर गुणगणली गेली पाहिजे। स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी केलेली तळमळ तसेच देशभक्तीचा प्रत्यय यातून वाढला गेला पाहिजे। यावर या देशावर अनेक संकटे आली, आपण ती परतवली। या सर्वांमागे असलेला देशभक्तीचा, देशाच्या अखंडतेसाठी हिंदुत्वाच्या तत्वाचा विचार आहे। हा विचार सावरकरांनी सातत्याने मांडला व त्यानुसार कृती केली व कृती करण्यास अनेकांना भाग पाडले। त्यामुळेच आपला आजचा देश अबाधित राहिलाय। सशस्त्रता, आधुनिकता तसेच विज्ञानवाद आणि अनेक त्यांची गुणवैशिष्ट्य असून त्यापासून आजच्या पिढीला वळावे लागत आहे। त्याचे विचार हे दृष्टपणाचे होते आणि त्यामुळेच त्यांच्या काळात मांडलेले विचार आजच्या पिढीला समर्पक वाटतात, तसेच त्यांना अंगीकारणे ही आवश्यकता देखील वाटते। ही गरज लक्षात घेऊनच स्वातंत्र्यवीरांचे विचार
अधिकाधिक लोकांपर्यंत प्रसारित व प्रचारित झाली पाहिजे अशी स्मारकाची भूमिका आहे. आजच्या सीडीमधील गीतांना ज्यावेळी देशवासीय गाऊ लागतील, गुणगुणतील, तेव्हा खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्यवीरांच्या विचारांना अधिक बळकटी मिळेल. लोकांना त्यांच्या आवडीचे माध्यम मिळाल्यानंतर तो विचार त्यांच्यावर अधिक प्रभावीपणे बिंबतो आणि त्यामुळे संगीत व गीतांचा आधार जाणीवपूर्वक घेण्यात आला. या उपक्रमाला संगीत व कला क्षेत्रातील नामांकित मातबकर मंडळींचे सहकार्य मिळाले, त्यामुळे अधिकाधिक लोकांकडून हा विचार प्रसारित होणार आहे. सावरकरांचे साहित्य नुकतेच ब्रेल भाषेत प्रकाशित झाले आहे, त्याचबरोबर भारतीय प्रांतिक भाषांमध्ये त्याचा अनुवादही झाला आहे. 13 भाषांचे बहुभाषी संकेतस्थळ तयार होते. अंदमानच्या प्रतिकृती तसेच क्रांतिकारकांच्या संग्रहालयाची निर्मिती आदी प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. अजून फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे. क्रांतिकारकांचे संग्रहालय हा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात अनेक आव्हानं आपल्या पुढे आहेत. ही आव्हानं स्वीकारून आपण निश्चितच राष्ट्रीय पातळीवर सावरकर पुन्हा एकदा नव्याने घेऊन जाणार आहोत. या कामी सावरकर भक्त आणि देशभक्त नागरिकांचा सहयोग आवश्यक असून त्यांनी अधिकाधिक प्रमाणात पुढे आले पाहिजे. राष्ट्रीय कर्तव्य भावनेतून स्मारकाच्या विविध उपक्रमांमध्ये सहकार्य दिले पाहिजे अशी मी या प्रसंगी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि अध्यक्षीय भाषण संपवतो.